पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। चौबीस अगस्त को नालंदा के अस्थावा एवं बिंद प्रखंड से होकर गुजरने वाली जिराया नदी का जल स्तर बढ़ गया था। इसके बाद अस्थावा प्रखंड के अंधी गांव का फतुआ खंदा में तटबंध के कटाव होने की वजह से खेतों में पानी फैल गया था। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा तटबंध की मरम्मति कराई गई थी। हालांकि इस बीच बुधवार की अहले सुबह फिर से जिरायन नदी का जलस्तर बढ़ा और उक्त स्थान पर फिर से कटाव शुरू हो गया, जिसके कारण फिर से अंधी गांव के खेतों में पानी फैल गया। अंधी गांव निवासी सह पैक्स अध्यक्ष कर्मवीर कुमार ने बताया कि तटबंध मरम्मति का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था और अचानक फिर से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण करीब 1000 बीघा में पानी का फैलाव हो गया, जिसके कारण फसलें पानी में डूब गई। अगर जलस्तर में इसी तरह से वृद्धि होती रही तो गांव की गलियां तक भी नदी का पानी पहुंच सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की टीम तटबंध मरम्मति को लेकर अलर्ट है, ग्रामीण भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। वहीं अस्थावा प्रखंड के अंचलाधिकारी रविंद्र कुमार चौपाल ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, अगर गांव में पानी प्रवेश करता है तो कम्युनिटी किचन समेत अन्य सुविधाएं तत्काल शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल जलस्तर घटते ही तटबंध मरम्मति का कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा। एक अन्य स्थान देशना में भी कटाव हुआ था, जहां पर कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है। तटबंध के पास अधिकारी कैंप किए हुए हैं। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।